हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिलीव यू लर्निंग। आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। आज का हमारा सेकंड चैप्टर है होम ट्रेड सेकंड, सेल्स लिटरेचर एंड मींस ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स। हमारा ये चैप्टर हमारे होम ट्रेड का सेकंड पार्ट है। हमने हमारे इस चैप्टर को कुछ 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड काइंड्स ऑफ सेल्स लिटरेचर, थर्ड एडवर्टीजमेंट एंड देयर काइंड्स, फोर्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर काइंड्स, फिफ्थ मीन्स ऑफ अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, सिक्स इम्पॉर्टेंस, सेवेंथ एविल्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एट्थ रिविजन। अब हम लोग हमारे फर्स्ट पार्ट पर बात करेंगे, इंट्रोडक्शन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है, व्हाट इज सेल्स लिटरेचर एंड मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स। सेल्स लिटरेचर, अट्रैक्टिव सेल्स लिटरेचर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ सिक्योरिंग बिजनेस। This is done with a view to keep the actual and prospective customers informed of the articles coming in the market, special advantage offered, trend of prices, etc. हमारे sales literature का main work होता है हमारे goods की information को हमारे customers तक पहुँचाना और उनको अपने हमारे goods की तरफ attract करना। Sales literature हमारे business के लिए एक बहुत ही important means है। हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने गुड्स की इंफॉर्मेशन हमारे कस्टमर यानी कि हमारे पब्लिक तक पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि जब तक उनको हमारे गुड्स की इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हमारे गुड्स की नॉलेज नहीं होगी, तो उनको पता कैसे चलेगा कि हाँ कौन सा गुड नया लॉन्च हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट आया है नया, कौन सा ऑफ़र उस पर है या क्या प्राइस है। जब उनको कुछ हमारे गुड्स की ज़रा सा भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो वो हमारे गुड्स ख़रीदने आएंगे ही क्यों। ठीक, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग हमारे गुड्स की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएँ। मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस मैन इज़ टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट। इन द एज ऑफ द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मैनी मीन्स आर अडॉप्टेड टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। एक बिजनेस मैन के लिए ये ज़रूरी है कि उसके प्रोडक्ट्स के सेल्स इंक्रीज करें, ना कि डिक्रीज करें। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अगर अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है या कोई भी बिजनेस करता है तो उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। आजकल के हमारे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में हम लोग बहुत से अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं अपने कस्टमर्स को अपने गुड्स की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे कि लोग हमारे कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हों और हमारे प्रोडक्ट्स की सेल्स वैल्यू बढ़े। सो ये था हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेल्स लिटरेचर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।